तेरा मेरा रक्षाबंधन। मैं ये सिंदूर चकोरी ईसा की मांग में भर दूं। क्योंकि उसका इस संसार में कोई ना है, इसलिए तू चाहे है कि मैं इनके साथ प्यार चढ़ू। उमेद सिंह जी, पुली ने थन्ने थारा फर्ज याद दिलाया है। गांव का सरपंच होने के नाते सर पर पगड़ी है और पीठ पर आदर्शों का बोझ है। समाज के लिए अपनी खुशी छोड़कर आज आपको न्याय करना होगा। राजा रामचंद्र जी ने भी सीता माता का त्याग किया था। आपको आज इस औरत को अपनाना होगा। यही आपका फर्ज भी होगा और यही आपका न्याय भी होगा। एक तरफ बोली जो प्रेम है हमारा, और एक तरफ चकोरी जो अब जिम्मेदारी है हमारी। रूप का जाल है, अच्छे अच्छों को ठगा है मैंने। सरपंच साहब, आज शिकार होने की आपकी बारी है। ऐसा जादू चलेगा कि उस गुंगी को याद तो क्या, कभी मुड़ के भी ना देखोगे। अब तो बस आपको आपके कमरे में तो आना ही है। एक बार आ गए तो वापस जाने ना दूंगी। मैंने पता है सरपंच हमारे पास ही आएंगे। उसका इस संसार में कोई ना है, इसलिए तू चाहे है कि मैं इनके साथ ब्याह ना चलूं। पुली से ज्यादा समझदार जीवन साथी और कोई ना हो सकता।
कलेजा चीर दिया है मारा। इस घर की रानी बनने के लिए इतना बड़ा दाव खेला है मैंने, और एक गूंगी से हार जाऊं? सरपंच साहब, मारे आगे उस गूंगी को चुनकर आपने बहुत गलत किया है। इस अपमान का बदला लूंगी। उस गूंगी ने निचोड़ के रख दूंगी। काका साहब, घनी खम्मा, ये तो सरपंच साहब के काका साहब है, अब मैं क्या करूं? पूरी हो गई रसम, निपट गया सब ठीक से? बिना बड़ों के आशीर्वाद के तो रसम पूरी हो गई। सारी लुगाइयों को देखा नहीं मैंने। अवरी पधार। क्या काका साहब? दादू साहब, बच्चो, अरे मसाल सुन। कैसे बच्चो, इस बार भी राखी पे राखी बंधवाएगी इससे? अरे वाह, दूर का ही सही, पण चाचा हूं तारा। हक से मारा तारी लुगाइयों ने आशीर्वाद देने का, उनका मुंह देखने का। कर रही है? माफ करना, मैं दूसरी चाय बना के लेके आती हूँ। ध्यान से। अगर बुढ़े ने मने देख लिया, वो जो हंगामा करेगा सो करेगा। मैं सरपंच साहब तुम्हारी जान ही ले लेंगे, क्या करूँ? मैं जानता हूं तुम एक लुटेरी दुल्हन हो, आप ठीक से चला ना विराजो। कावरी, कावरी, अगर तुम चाहती हो ये सच अमित सिंह ने ना पता चले तो आज रात आंगन के पीछे 10,000 रुपए छोड़ जाना। कौन है ये? किसे पता है मेरी असलियत? मैं जानता हूं तुम एक लुटेरी दुल्हन, आज रात आंगन के पीछे 10,000 रुपए छोड़ जाना।